नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। मैं चांदनी सिंह, सबसे पहले आया अपने श्रोता लोग का गोड़ छुके गोड़ लागतानी, और ये हमारी पहली मूवी है। मूवी का नाम है मैं नागिन तू सपेरा, और इस मूवी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हूँ कि अरविंद चौबे सर इसमें डायरेक्टर हैं और उन्होंने मुझे साइन किया। और एल्बम हमारे काफ़ी एल्बम खेसारी सर के साथ, कल्लू सर के साथ हिट हुए, इसके लिए उन्होंने मुझे मूवी का चांस दिया। तो इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे श्रोता लोग का है। अगर हमारी फ्रेंड्स हमें पसंद नहीं करते तो हमें शायद मूवी नहीं मिलती, और हम जितने हमारे फ्रेंड लोग हैं, मैं उन लोग का बहुत दिल से, तहे दिल से उनका शुक्रिया कहना चाहती हूँ, जो उन लोगों ने मुझे इतने कम समय में मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। एक साल हुआ है मुझे इंडस्ट्रीज़ में आए और ये हमारी पहली मूवी है, तो मैं अपने फ्रेंड लोग से कहना चाहूँगी कि जैसे अभी तक हमारे सारे एल्बम को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसी तरह इस मूवी को ज़रूर आप लोग देखिएगा और पसंद करिएगा। और हाँ, थोड़ी सी भी कुछ भी गलती होती है सो प्लीज़ आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ताकि नागिन डांस करने वाली कितनी तैयारी है और कैसा लग रहा है? नहीं, इसमें मैं नागिन तू सपेरा मूवी में दो हीरोइन हैं, तो नागिन कौन है ये तो बाद में पता चलेगा आप लोग को मूवी जब देखेंगे तब। एल्बम से फिल्मों में आने वाली हीरोइनें बहुत कम हैं, आप आइए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, लेकिन हमारा मेहनत हमारे फ्रेंड लोग को दिखा, इसके लिए हमारे फ्रेंड लोग हमें पसंद किए और हमारे डायरेक्टर सर ने हमें मूवी के लिए साइन किया। आप राजपूत फैमिली से हैं, जब फिल्मों में आप आए तो आप घर वालों ने आपका विरोध किया था या नहीं किया था, जाहिर करेंगे? हाँ, शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था फैमिली से, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, हमें इंटरेस्ट है, हम करना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर हमने कुछ ऐसा सीन भी नहीं किया जिसे हमारे फ्रेंड लोग हमें अनलाइक करें, तो इसलिए लाइक किया। और आपका एक एल्बम इन दिनों सुपर हिट चल रहा है चोए चोए, क्या कहेंगे आप? हाँ, चोए चोए से ही हम चोए चोए एक मुझे नाम मिला उस सॉन्ग से, तो वो गाना मेरे फ्रेंड ने काफ़ी पसंद किया, आज भी वो सॉन्ग चलते हैं। और हमारा नाम चांदनी सिंह तो है ही, लेकिन एक चोई चोई भी रख दिया गया है। अरविंद सर ने आपको कैसे फाइनल किया था, एल्बम जैकेट कैसे? अब ये तो हमारे डायरेक्टर सर से ही पूछना पड़ेगा। आइए सर। नहीं, ऐसा नहीं है कि एल्बम में ऐसा होता है, हमने जितने भी बहुत सारे हमने एल्बम किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, और हमारे सारे फ्रेंड पसंद किए हैं, तो आज मुझे मूवी मिला, तो ऐसा नहीं है कि एल्बम गंदा लोग करते हैं इसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का नजरिया है अपना देखने का, और हम काम अच्छा करेंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे। फिलहाल में सुधार भी काफी आया है, काफी बेहतरीन बेहतरीन गाने बनते हैं, और उसमें अगर लिमिटेशन होता है उस तरह की फर्दर, आप क्या कहेंगे, बदलाव आया है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बदलाव आया है, और लोग पसंद करने लगे हैं जैसा, तो वैसे मूवी भोजपुरी में बनने भी लगे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है इसके लिए मैं। तो भोजपुरी फिल्म के अलावा और हिंदी फिल्म में या कोई और रीजनल फिल्म में काम करने की मतलब एस्पिरेशन, आपको कोई इच्छा है? नहीं, अभी तो फर्स्ट मूवी है, अब इससे देखते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड एल्बम से मूवी दिला, आप देखते हैं भोजपुरी से हिंदी भी आ जाएंगे। लेकिन डांसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट, डांस अच्छा आप करती हैं आप, और क्या क्या आपके स्किल्स है जो बताना चाहेंगी, डांसिंग है, रोमांस है, क्या अच्छा करती हैं आप? अब इस मूवी में ही सारी चीज़ें, और मैं अपने फ्रेंड लोग के लिए सरप्राइज रखी हूँ ये हमारे जो भी सीन होते हैं इसमें, और हाँ, कल्लू जी इसमें हीरो हैं, अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जी, उनका हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, और पापा जी का उनके भी काफ़ी सपोर्ट मिलते हैं, तो मैं फ़िलहाल तो बुलाना चाहूँगी इस मूवी के हीरो को, अरविंद जी को, इनके अंदर खासियत ही खासियत है, और इसीलिए मैं चाहती हूँ ये अब इनसे आप लोग पूछो। आप अपनी हीरोइन के बारे में ये कि क्या खास लगता है, मतलब खूबसूरत तो है ही, डांस भी अच्छा करती है, और क्या खास बात है जो आपको? सबसे पहले तो आप सभी भोजपुरी श्रोतागण दर्शकों में अरविंद अकेला कल्लू बार बार प्रणाम करता हूँ, और आज हम लोग मैं नागिन तू सपेरा फिल्म का गाना शूटिंग कर रहे हैं, बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है,
और चांदनी जी के बारे में क्या बोलूँ, सभी लोगों ने मेरे साथ एल्बम में देखा ही है और बहुत जल्द आप लोगों को भी इस ये फिल्म में देखेंगे। और काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया था और सभी लोग चाहते थे कि हम और चांदनी जी एक साथ स्क्रीन शेयर करें, तो इसको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अरविंद चौबे जी को कि जो उन्होंने मौका दिया। तो फिल्म जी, फिल्म के संगीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस फिल्म के जो संगीतकार हैं छोटे बाबा जी और राइटर है मनोज मतलबी जी, मतलब बहुत अच्छा संगीत है और ख़ास करके अरविंद चौबे जी के हर फिल्म में म्यूजिक हमेशा प्लस रहा है, ये सबसे बड़ी खासियत है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में म्यूजिक को काफ़ी लोग पसंद करते हैं, जिसका म्यूजिक अच्छा रहता है फिल्म वैसे ही लोग तारीफ करते हैं, तो म्यूजिक किसका बहुत अच्छा है। तारीफ की बात की जाए तो चांदनी जी की तारीफ में दुल्हन गाना हो जाए। क्या बात है। हाँ, चांदनी जी के लिए एक प्यारा सा गीत है। हरे लाली बाली लौ के बहारावा कजरावा अखिया के कोर, लाली बाली लौ के बहारावा कजरावा अखिया के कोर, अचम चम चम के बदनिया जवनिया मरता हिलोर, चम 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 के बदनिया जवनिया मरता हिलोर। थैंक यू सो मच। क्या वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, कितनी बार बोलूं, हर बार तो यही बोल रही हूं। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।